good morning student i hope you all are doing well and today i'm going to discuss with you some properties of parallelogram and some question related to uh, parallelogram okay now though what uh, first of all we come to know the meaning of parallelogram parallel parallel parallelogram parallel lines a closed figure with parallel lines here is you have given a figure abcd this is a quadrilateral because इट हैज फोर लाइन सेगमेंट फोर लाइन सेगमेंट है ना तो ये क्या बन गई है क्लोज फिगर जो कि क्वारिलेटर क्वारिलेटर होती क्या है क्वारिलेटर मीन्सारीन्स फोर फोर लाइन सेगमेंट की एक क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं क्वारिलेटर अब ये पैरलोग्राम क्या हो जाएगा पैरलोग्राम का मतलब है जिसमें आपकी अपोजिट जो साइड्स होती है वो क्या होती है पैरलर इट मीन्स यहाँ पे क्या कहा जा रहा है जो ए बी है वो पैरलर है डी सी अब पैरलर क्या होता है पैरलर का मतलब होता है ए डी जितना ना अगर यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की डिस्टेंस है मीन्स ये अगर ए बी ए डी कितना है ए डी इजिकल टू फाइव सेंटीमीटर है तो बी सी कितना होगा फाइव सेंटीमीटर मीन्स आपके पास टू लाइन है उनका जो स्टार्टिंग डिस्टेंस डिफरेंस होगा इनके बीच में उतना ही उनका एंड वाला होगा अगर ये टेन सेंटीमीटर है तो ये भी टेन सेंटीमीटर रहेगा इनके बीच में आप कितनी भी नंबर ऑफ लाइंस लगाओ कितने भी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट बनाओ सभी की डिस्टेंस क्या रहेगी टेन 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 ओके सो ये क्या होती है पैरलर पैरलर लाइन्स क्या होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती करेंगी कैसे भाई क्योंकि स्टार्टिंग में जो डिफरेंस है लाइन सेगमेंट का वही है, आपका एंडिंग पॉइंट है तो डेफिनेटली सी बात है इंटरसेक्ट तो करेंगे ही नहीं है ना तो अपोजिट लाइन क्या होती है पैरलर से होती है अगर ए बी पैरलर टू डी सी है तो डी पैरलर टू क्या हो जाएगी डी पैरलर टू बी सी अपोजिट सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनी भाई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरलोग्राम ये किसका साइन है पैरलर ग्राम पैरलोग्राम सॉरी पह क्या हो जाएगा आर इक्वल सो फर्स्ट प्रॉपर्टी या बनी अपोजिट साइड अपोजिट क्या है बीसी के अपोजिट क्या है एडी अपोजिट क्या है डी सी ठीक है so सो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकेंड क्या आता है भाई सेकेंड प्रॉपर्टी होती है आपकी ये बात तो फर्स्ट की सेकेंड क्या होती है अपोजिट एंगल्स ऑफ आ पैरेलोग्राम आर इक्वल अब ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि अपोजिट साइड पैरलर भी होंगी इक्वल है पैरलोग्राम है तो पैरलर भी हैं पैरलर भी हैं और साथ साथ में क्या है इक्वल भी हैं बताया था ना यहाँ पे सो so, यहाँ पे ए इक्वल टू डी सी ए डी टू बी सी समझ में आ रही है ये यूज होएंगी हमारी आगे ठीक है इसी क्वेश्चन में हमें यूज करना है इन बातों को इसलिए इतना फोर्सिबली मैं बता रही हूँ अपोजिट एंगल सारे इक्वल अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा भाई डी के अपोजिट क्या हो जाएगा डी के अपोजिट क्या हो जाएगा एंगल बी अपोजिट का मतलब तो यही होता है ना सो एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल बी एंड एंगल सी के अपोजिट क्या है भाई एंगल ए इट मीन एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ए बात समझ में आ रही है अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पेलोग्राम इज द डायगोनल द डायगोनल ऑफ पैलेलोग्राम डिवाइड्स डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्गोरेंट ट्राइंगल क्या कहा जा रहा है भाई जो ये डायगनल आपको नजर आ रहा है डायगनल बी -सी. ठीक है चाहे बी बी की बात करो चाहे ए की बात करो ये बाद में बताऊंगी कंफ्यूज हो जाओगे देखो बी डी एक डायगनल है यहां से देखिए क्या बी सी डी एक ट्रायंगल बन रहा है डेफिनेटली डी ए बी क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है बिल्कुल बन रहा है अब ये क्या कह रहा है ये दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी कांग्रेंट कांग्रेन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कॉन्ग्रेंट क्या होता है मीन्स ये एंगल इक्वल दिस एंगल इक्वल टू दिस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस है ना तो ये क्या कह रहा है जो डी ए बी कॉन्ग्रेंट होगी किसके डी ए बी क्या है तो डी सी बी डी सी बी बात समझ में आ रही है सो so, ये कह रहा है जो इसका डायगनल होता है पेरोग्राम का ये इसको टू इक्वल कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल में डिवाइड करता है बात समझ में आ रही है और सेकंड थिंग क्या है ये बाइसेक्ट भी करता है क्या करता है बाइसेक्ट ओके सो अगर मैं यहाँ से बात अगर मैंने बी डी को डायगनल माना तो ट्रेंगल बनी है अगर मैं ए सी को मानती तो ट्राइंगल क्या होती है ए डी सी सीबीए, सी बी वेरी इजी प्रॉपर्टी है सिर्फ आपको क्वेश्चन में इनको अप्लाई करना है और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना है अगर ये बातें आपको समझ में आती है तो आप इजीली कर लोगे मैं आप एक और बात यहाँ पे बताना चाहती हूं आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है देखो जो पेरोग्राम होता है ना जो पेरोग्राम है जैसे ये आपका एक पेरलोग्राम है ए बी सी डी ठीक है सबसे पहली बात तो ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है ठीक है सेकेंड थिंग क्या है ये पैरलोग्राम है अभी ये पैरलोग्राम क्या क्या हो सकता है सबसे पहली क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज के अंदर है सेकेंड ये एक पैरलोग्राम है अभी ये पैरलोग्राम है ना, एक रोमबस भी हो सकता है मतलब अगर आपके पास एक रोम्बस है तो पैरलोग्राम हो सकती है हो, हो सकती है नहीं होती ही होती है ठीक है पैरलोग्राम रोम्बस हो ये जरूरी नहीं है लेकिन एक रोम्बस पैरलोग्राम होती ही होती है ठीक है कोई कन्फ्यूजन ही है अगर रोमबस और रो आपसे पूछ लिया जाए क्या रोम्बस एक पेरलोग्राम है आपको भी डेफिनेटली यस ओके सेकेंड क्या है भाई अब ये जो पैरलोग्राम है क्या ये एक रेक्टेंगल हो सकता है क्या ये एक रेक्टेंगल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है एक रेक्टेंगल पैरलोग्राम होता ही होता है देखो मैं रिवर्स कर करके बता रही हूं आपको ये हो सकता है होगा जरूरी नहीं है क्योंकि हम कहेंगे कि पैरलोग्राम तो रेक्टेंगल ही होता है तो वो तो गलत हो जाएगा ना क्योंकि वो तो रुमस भी हो सकती है तो आप पैरलोग्राम के केस में ये नहीं कह सकते हाँ लेकिन एक रेक्टेंगल देखो मैंने जब बोला पेरोग्राम कैन बी अ रेक्टेंगल दैट इज डिफरेंट थिंग अब मैं कह रही हूँ अ रेक्टेंगल इज आ पैरलोग्राम यहाँ पे आप प्रेसर देखे बोल सकते हो जी होता ही होता है कि रेक्टेंगल पैरलोग्राम तो होता ही है नो कन्फ्यूजन बट पैरोलोग्राम कैन बी आ रेक्टेंगल लेकिन पैरलोग्राम हो सकता है पैरलोग हर एक पैरलोग्राम रेक्टेंगल हो ये जरूरी नहीं होता ठीक है सेम केस अगर मैं बात करती हूँ स्क्वेयर की किसकी स्क्वेर की फिर से वही करना है पैरलोग्राम कैन बी अ अ बट बटर इज अ ओके अलोग्रामोग्राम एक हो सकता है कैन बी अब अवेयर कैन बी अ कैन लगाना आपको क्योंकि यहाँ पे डाउट है क्योंकि पैरलोग्राम तो रेक्टेंगल भी हो सकता है पैरलोग्राम तो रोमस भी हो सकता है तो पेरलोग्राम स्क्र होगा ही होगा ये तो आप नहीं बोल सकते ना तो यहाँ कैन बी वाली जब भी आप पैरलोग्राम से किसी भी क्वारेटर की तरफ जाते हो तो आपको कैन बी वर्ड यूज करना है क्योंकि वहां पे आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं बट जब भी आप किसी पर्टिकुलर फिगर से लाइक स्क्र रेक्टेंगल रोम्बस इनसे आप पैरलोग्राम की तरफ मूव करते हो तो डेफिनेटली सी बात है कि वो पैरलोग्राम तो होता ही होता है स्क्वेयर आपका पैरलोग्राम होता ही है रेक्टेंगल मीन्स कहने का परपज प्र, क्या है यहाँ पे कि जो स्क्वेयर है रेक्टेंगल है रोमबस है इनके अंदर एक पेरलोग्राम की प्रॉपर्टी होती ही होती है ठीक है आप इनसे ये कहा जा सकता है ना कि यह आपकी कोई बड़ी फिगर है यहाँ पे एक स्मॉल फिगर है तो पैरलोग्राम को हम क्या करते हैं लाइक ये एक बड़ी फिगर है यहाँ पे एक छोटी फिगर है तो ये पैरलोग्राम है और ये आपकी बाकी कुछ भी हो सकती है स्क्वेयर भी हो सकती है रेक्टेंगल भी हो सकती है रोमबस भी हो सकती है तो ये तो इसके अंदर एडजस्ट कर ही जाएगा ना है ना क्योंकि ये स्मॉल इसकी प्रॉपर्टी हर एक में आती है पैरोग्राम की प्रॉपर्टी रोम्बस की में भी होती है रेक्टेंगल में भी होता है एंड स्क्वेयर में भी होता है ये इतना फोर्स देखे क्यों बताया क्योंकि इन्हीं में कन्फ्यूजन होती है जो हमारी एक्सरसाइज टेन बी है वो टोटली इसी पे डिपेंड है भाई इन्हीं तीन बातों पे घूम रही है बाकी कुछ भी नहीं है अगर किसी बच्चे को ये थ्री थिंग्स समझ में आ जाती है तो टेन बी में कुछ भी नहीं है उसमें सिर्फ आपसे यही पूछा जाता पूछा जा रहा है अ रेक्टेंगल इज अ पेरलोग्राम इट्स ट्रू एंड फोर्स आपसे पूछा जा रहा है अ रेक्टेंगल इज अ पैरलोग्राम क्या रेक्टेंगल एक पैरलोग्राम है रेक्टेंगल एक पैरलोग्राम है बिल्कुल ट्रू है रेक्टेंगल एक पैरलोग्राम होता होता है बिल्कुल होता है बट आप ये नहीं कह सकते अब पैरलोग्राम इज अ रेक्टेंगल वहाँ पे आपको कैन वर्ड यूज करना पड़ेगा ठीक है सो so, ये आपको बताना था वहाँ पे नेवर ऑलवेज इस तरह की बातें पूछी जाती है तो आप हमेशा सिर्फ ये सकते हो अ रेक्टेंगल इज इज़ पैरलोग्राम ठीक है यहां कह सकते हो बट पैरलोग्राम इज इज नहीं कैन बी पैरलोग्राम कैन बी रेक्टेंगल कैन बी अर कैन बी रोमबस ओके सो कैन बी वर्ड आपको यूज करना होगा ही होगा ऑलवेज जैसे वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हो सकते आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी एक्सरसाइज टेन भी अब आपको प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज टेन सी को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय। बाय